हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स के मन में थोड़ा सा डाउट है, बहुत छोटा सा वीडियो है एक क्लैरिफिकेशन देने के लिए कि हमारे मन में ये डाउट होता है कि हम यार पार्टनरशिप में कैसे बिजनेस को स्टार्ट करें, चाहे वो होलसेल बिजनेस हो या फिर मेडिकल स्टोर हो। ठीक है, दोनों का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है क्योंकि डीएल लेने का प्रोसीजर भी दोनों का सेम है। अभी आपको पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप कर सकते हैं। क्या प्रोसीजर होगा मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखिए, आपको जो डीएल बनाने का तरीका है, क्यों ओपन करना चाहिए, कैसे ओपन करना चाहिए, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, हाउ टू स्टार्ट अ मेडिकल स्टोर, हाउ टू स्टार्ट अ होलसेल बिजनेस कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो दोनों आ रहे हैं ना यहाँ पे आइकॉन बन के, ठीक है, ये जो मैंने दोनों दे दिया है, तो इसका आप वीडियो पहले देख लीजिए कि क्या टेक्निक होती है, कैसे करना। वैसे इसमें भी मैंने क्लू दिया हुआ है, बताया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। तो इसमें पूरा प्रोसीजर मैंने बताया आपको, ए टू जेड, हाउ टू स्टार्ट अ मेडिकल स्टोर और हाउ टू स्टार्ट अ होलसेल बिजनेस। पूरा प्रोसीजर ए टू जेड फ्रेंड सेम रहेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक पार्टनरशिप डीड बनती है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। उस पार्टनरशिप डीड के अंदर होता क्या है कि टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है कि अगर बिजनेस ग्रो करेगा तो दोनों लोगों का शेयर कितना रहेगा, 51% का शेयर रहेगा, 50-50% शेयर रहेगा, आप जो दोनों लोग पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कितना कर रहे हो, आप और आपका पार्टनर कितना कितना फंड इन्वेस्ट, मतलब वो डीड में हर एक वो बात लिखी जाती है जो एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए या स्टार्ट होने के बाद जहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग आएगी, वो सारी चीज़ें उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है। और ये टर्म्स और कंडीशन ऐसा नहीं होता कि वकील लिखेगा, ये आपको बैठ के खुद सोचना पड़ेगा कि हम लोग कौन से दो पॉइंट पे हमेशा एग्री रहेंगे या हमारे बीच में कौन सा रिटर्न कम्युनिकेशन इससे होना चाहिए, वो सारी चीजें उसके ऊपर लिखी जानी चाहिए जिससे कभी भी कोई डिस्प्यूट ना होने पाए। आप दोनों लोगों का आज नहीं तो कल अनबन हो गया और आप बिजनेस सेपरेट आउट करना चाहते हैं, तो जब बिजनेस सेपरेट आउट करोगे तो उसमें लिखे हुए टर्म्स एंड कंडीशन के बेस पे ही वो बिजनेस सेपरेट आउट होगा, राइट। तो इसलिए वो पार्टनरशिप डीड बनती है और उस पार्टनरशिप डीड पे हर एक वो कंडीशन बहुत ही सोच समझ के, क्योंकि जब हम पार्टनरशिप में बिजनेस करने जा रहे होते हैं ना तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा दिल, हमारा जिसके साथ हम पार्टनर होता है, हमारा यार होता है, हमारा दोस्त होता है। लेकिन ना आगे चल के ये पैसों का बिजनेस होता है। आप बहुत अच्छा सपोज डेट मेहनत कर रहे हो, आपका पार्टनर नहीं कर रहा, या आपका पार्टनर जो है बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है, दिल जान से मेहनत कर रहा हो, आप उसके ऊपर मेहनत नहीं कर रहे हो जितना रिक्वायरमेंट है, तो आपस में धीरे धीरे क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है ना दरार आनी शुरू हो जाती है, गैपिंग शुरू हो जाती है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब ये गैप टूट जाता है, और ये गैप टूट जाने की वजह से फ्रेंड क्या होता है, बिजनेस लॉस में चला जाता है। और बिजनेस जब लॉस में जाता है ना तो घाटा तो दोनों लोगों को होता है, लेकिन बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो एक आदमी चाहता है उसको बचा ले, तो बचाने के लिए उसको सेटलमेंट करना पड़ेगा दूसरे आदमी के साथ में। अगर आपने सारे टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपरली केयरफुली ध्यान से सोच समझ के नहीं लिखे हुए हैं तो उस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है, और इरिटेट भी होंगे, परेशान भी होंगे, बट सारे टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर कर लिखे हुए ना दोनों लोग एक सोच समझ के, हर चीज की ये भी लिख दो पॉइंट, ये भी लिख दो, ऐसा भी हो, सोच सोच के सारे पॉइंट कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वैसे वैसे प्रॉब्लम आएगी और हम लोग अलग होना चाहें तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, ठीक है। सारे टर्म्स एंड कंडीशन को 2-3-5 पेज में जो भी आपके पास है सारी चीजें लिखिए, फिर वो जाइए वकील के पास में, वो एक 100 रुपीज का स्टैंप होता है उसी के ऊपर पूरा लिखेगा, लेटर बनाएगा, वहां पे स्टैंप हो गए, और तहसील में एक जो मोहर वगैरह लगते हैं, क्या रजिस्ट्री पता नहीं क्या बोलते हैं, उसके माइंड में रहने काफ़ी टाइम पहले मैंने किया था, तो उस पर जाके आप करवा लीजिए, ठीक है। बस यही होता है पार्टनरशिप में। अब ये पार्टनरशिप डीड लगेगा कहाँ कहाँ, ये पार्टनरशिप डीड जब आप GST बनवाने जाएंगे वहाँ लगेगा, आप DL के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ लगेगा, आप बैंक अकाउंट ओपन करने जाएंगे वहाँ लगेगा, ये मतलब जितने भी ये अप्रूवल वाले काम होंगे हर एक जगह वो पार्टनरशिप डीड की रिक्वायरमेंट होगी। आप बैलेंस शीट बनवाने जाओगे वहाँ लगेगा, हर एक जगह वो पार्टनरशिप डीड आपकी फिर यूज होगी, पैन कार्ड बनाना वहां लगेगा, हर एक जगह मतलब वो पार्टनरशिप डीड आपकी लगनी है फ्रेंड, ओके। तो ये है पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करने का तरीका। अब यही तरीका छोटे लेवल मेडिकल स्टोर में भी यही होता है, होलसेल के बिजनेस में भी यही होता है, बाकी के सारे प्रोसीजर बिल्कुल सेम होते हैं, लाइसेंस कैसे लेना, GST कैसे लेना है, कितना स्टोरेज, कितना मेंटेनेंस, A to Z फर्नीचर कितना खर्चा आता है, A to Z सब कुछ सेम है, बट ये उसमें पार्टनरशिप डीड जुड़ जाती है बस, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती है वहाँ पे भी ऐसे पार्टनरशिप में कोई स्टार्ट करता है तो यही पार्टनरशिप डीड बनती है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन, ओके। चलो बस इस वीडियो में इतना ही, छोटा सा वीडियो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ओके। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, फार्मा से रिलेटेड ना
पावरफुल ज़बरदस्त वीडियो मैं इस चैनल के ऊपर लेके आता हूँ और आता रहूँगा, जिससे आपकी लाइफ ग्रोथ होगी, प्रोफेशनल ग्रोथ होगा, पर्सनल ग्रोथ होगा, बिजनेस ग्रोथ होगा। ज़्यादा डिटेल जानकारी के लिए फ्रेंड आप मेरे साथ कंसल्टेशन ले सकते हैं ओनली 200 रुपीज़ में, जो अभी करेंट रेट है, ठीक है। और आप क्या रेट चल रहा है, क्या रहेगा, ये रिवाइज होता रहेगा। आप पता नहीं आज वीडियो आप देख रहे हो ये दो सितंबर 2020 है, हो सकता है आप इसको 21 में देखो, 22 में देखो, उस समय पता करने के लिए सबसे बेस्ट वे है जो नंबर मेरा नंबर आ रहा है इसके ऊपर मुझे आप व्हाट्सअप करके उस समय का करेंट रेट पता कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। अपने पर्टिकुलर बिजनेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको करियर ग्रो करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, आप कंपनी ग्रो करना चाहते हैं, आप छोटी सी कंपनी रन कर रहे हैं उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, आप अपनी कंपनी को डिजिटलाइज करना चाहते हैं, आप अपनी कंपनी को डिजिटल वे में प्रमोट करना चाहते हैं, अपने होलसेल को बिजनेस को डिजिटल वे में लेके जाना चाहते हैं, आप ऑनलाइन फार्मेसी स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, कैसे स्टार्ट होगा, गवर्नमेंट के क्या ड्राफ्ट आए हुए हैं, गवर्नमेंट के क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है उसको आप जानना चाहते हैं, आप होलसेल के बिजनेस को टोटली ऑनलाइन कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप एक जगह सिटी में बैठे बैठे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू होलसेल के बिजनेस को पूरे इंडिया के अंदर स्प्रेड करना चाहते हो, ये सारी फार्मा की ए टू जेड इंफॉर्मेशन अगर चाहते हो बिजनेस के अंदर ग्रो करना, तो आपको ओनली 199 पे करना है फिलहाल अभी जो रेट है, फॉर दी सेपरेट 1-to-1 कन्वर्सेशन, ठीक है। अगर आप इस टाइप की कुछ भी चीज़ आपको चाहिए, आप जानना चाहते हैं डीपली एंड डिटेल, तो मेरे साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं। जस्ट किसी भी डिजिटल ऐप के थ्रू इस मोबाइल नंबर पे आपको पे करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वो स्क्रीनशॉट मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे, क्योंकि ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको शेयर करना है, अपॉइंटमेंट बुक करना है, सेम डे अगले दिन का अपॉइंटमेंट, खाली नहीं तो उसके अगले दिन का मिलेगा, इतना मान के चलिए, क्योंकि मेरे पास डेली अपॉइंटमेंट होता है किसी न किसी का, तो आपको 1 या 2 दिन 3 दिन वेट करना पड़ सकता है। तो इसलिए इरिटेट मत होइए कि अभी पे किया तो सर अभी अपॉइंटमेंट चाहिए, अभी बात, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये स्लॉट खाली होने के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मेरे पास आज कोई बुकिंग नहीं है, मॉर्निंग में आप पे करते हैं, मैं शाम के टाइम जनरली बात करता हूं, तो मॉर्निंग में पे करते हैं, शाम का स्लॉट खाली है तो मैं सेम डे का भी स्लॉट दे दूंगा, टाइमिंग जनरली मैंने फिक्स की है कब कब मैं बात करता हूं, उसी स्लॉट में बात करता हूं, एज वेल एज अपने वर्क के हिसाब से मैं बात करता हूं, ठीक है। तो अगर आपको कोई जो सारे मैंने चीज़ें गिनाई हैं इसमें कुछ भी आपको ऐसा करना है, ग्रो करना है, बिजनेस को जानना है, टैक्टिक्स जानना है, फार्मास्यूटिकल्स रिगार्डिंग और भी कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, मेरे साथ पर्सनल 1-to-1 टॉक कर सकते हैं, जस्ट पेइंग दिस स्मॉल क्वांटिटी अमाउंट, मैंने इतना प्राइस कम रखा है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके, कैरियर में ग्रो कर सके, ठीक है। और मेरे जो वीडियोज़ हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इस चैनल के ऊपर कंटिन्यूसली मैं लेके आता रहता हूँ, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए इन्फॉर्मेशन तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और क्या जानना चाहते हैं आप, ठीक है, किसके ऊपर नॉलेज चाहते हैं, जो आपको मन में डाउट क्रिएट कर रहा है, जो आपको कन्फ्यूज कर रहा है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। फार्मा जॉबर्स इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेजिंग के थ्रू वहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।